हेलो एवरीवन, हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं संदीप विश्वकर्मा, जो कि नई पीढ़ी को बहुत तेजी से उन्हें पर्सनालिटी डेवलप के बारे में सिखा रहे हैं और खुद का वो बिजनेस भी रन कर रहे हैं। तो आज वो हमारे साथ हैं, तो आज हम जानेंगे कि वो किस तरह से इस एज में उन्होंने बिजनेस खड़ा किया है, इस एज में वो बच्चों को किस तरह से सिखा रहे हैं। तो आज वो मेरे साथ है, मैं उनसे कहूंगी कि वो अपना इंट्रो दे छोटा सा और फिर उनकी और जानकारी हम लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा स्टोरी बता दीजिए। जी जी, पहले तो स्वागत आपका है ज्योति जी, क्योंकि मैंने आपके वीडियो वगैरह भी देखे हैं, आप लोगों को जो अवेयर कर रही हैं, जो आपका मिशन है उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और आपकी ऑडियंस और जो भी इस वीडियो को देखेंगे उन सबके लिए मेरा यही कहना है कि आज की जो यंग जनरेशन है वो खुद ही नहीं और भी लोगों को आगे ले जाने की ओर प्रेरित कर रही है। तो हमारा एक छोटा सा स्टेप है, आपका हमारा इन सबका फर्ज बनता है कि हम सब आगे आएँ और अभी इस देश को आगे ले जाने में कुछ अपना इनिशिएट करें। तो जैसे मैं अपना इंट्रो अगर शॉर्ट में दूं तो माई सेल्फ संदीप विश्वकर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस ट्रेनर। और मेनली मेरा जो बिजनेस है मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, बट मैं उसका भी फाउंडर हूँ। तो मेनली हमारा जो काम होता है वो कोचिंग और ट्रेनिंग का होता है। अच्छा, मैंने आपको देखा है कि आप, जैसे कि हमारी मुलाकात YouTube में हुई, मैंने आपको उसमें देखा कि आप किस तरह से युवा पीढ़ी को पर्सनालिटी के बारे में सिखा रहे हैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक पर्सनालिटी डेवलप उन्हें पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो क्या आपको फियर नहीं लगता है? क्योंकि जब मैंने भी ये स्टार्ट किया था तो ब्लैंक हो जाते थे, क्या ऐसा कुछ आपके साथ होता है? देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की तो शुरुआत में हमें हर चीज़ का डर लगता है। लेकिन जैसे मैं अभी बच्चों को सिखाता हूँ या बोलता भी हूँ तो मैंने बताया है कई बार कि जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हमें डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो झिझक हमारी प्रैक्टिस से निकल जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी कॉन्फिडेंट बोल रहा हूँ, वैसे हमेशा बोलता था। शुरुआत में स्कूल टाइम में भी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, स्टेज पर जाके ब्लैंक हो जाता था, जो बोलना होता था वो सब भूल जाते थे। तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस शुरू हुई। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी का इंटरेस्ट जिस फील्ड में होता है ना तो फिर उसका वो फियर है वो खत्म हो जाता है। तो मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है। ओके, ग्रेट। जैसे कि मैं देखती हूँ आप पर्सनालिटी डेवलप के बारे में सिखाते हैं और अपना बिजनेस भी रन कर रहे हैं, तो आप इस लाइन में जो आए हैं मोटिवेशनल आना कैसे हुआ? आपका पर्पस क्या रहा है इसमें आने के लिए? ये कहानी बड़ी इंटरेस्टेड है कि शुरुआत में क्या हुआ कि जब मेरा, जैसे हर एक बच्चे का ड्रीम होता है स्कूल टाइम में कि मुझे ये बनना है वो बनना है, वैसे ही मेरे टीचर मुझसे पूछते थे तो मैं एक ही जवाब देता था, मुझे गवर्नमेंट जॉब वगैरह करनी है। मेरे दोस्त फ्रेंड सर्कल में भी मैंने लगभग तैयारी काफ़ी टाइम तक की, लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा बिजनेस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं इसमें बहुत बेटर कर सकता हूँ, तो मैंने बहुत जगह पर जॉब की है, लगभग 20 से ज़्यादा कंपनियों में जॉब की है। तो वो जब मैंने एक्सपीरियंस गेन किया तो वहाँ से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इस फील्ड में कुछ बेटर कर सकता हूँ, और मेरे अंदर वो एक लीडरशिप स्किल मुझे दिखी कि मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर हुआ क्या कि मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैं एक बार संदीप माहेश्वरी जी, जिनको मैं अपना मेंटोर मानता हूँ, उनका एक वीडियो देख रहा था जो उनकी लाइफ का लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार था शायद। तो वो जब मैं देख रहा था तो उनने बोला था कि बिजनेस करने के लिए मेरे हिसाब से क्या क्या स्किल्स चाहिए। तो उस वीडियो से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ और मुझे लगा कि हमको भी मतलब आगे आना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, सभी को जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है और मेरे पास जो क्षमताएं हैं, स्किल्स हैं, पोटेंशियल है उसको पहचानना चाहिए और आगे की जो पीढ़ी है उसके लिए एक मैसेज देना चाहिए कि कोई भी कर सकता है, बिजनेस करने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है, मतलब कोई भी कर सकता है। तो एक ऐसा मिशन और ऐसी जर्नी शुरू हो गई। जैसे मैं लोगों को सुनती हूँ कि बहुत लोगों को बिजनेस तो करना है लेकिन उनके पास एक एक्सक्यूज रहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कैसे करूँ, तो इसमें इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भी, मतलब ये क्वेश्चन आपने सही पूछा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का और भी जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से समाज में ये एक नेगेटिव थॉट जा रहा है और सब लोग यही सोचते हैं कि अगर बिजनेस करना है तो पैसा चाहिए है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा है, इम्पोर्टेंट है बिजनेस में, लेकिन वो सेकेंडरी है। अगर प्राइमरी सोर्स हैं तो वो खुद के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी जो आपका माइंड सेट है वो फिक्स होना चाहिए,
आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपके अंदर जो काम आप कर रहे हैं उसमें पैशन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें खुद में डेवलप करनी पड़ेंगी, फिर जाके पैसा ऑटोमेटिक अरेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है। जी अभी अच्छा आप युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, तो इसमें आपका मिशन क्या है? देखिए, जैसे कि मेरा जो मिशन है वो शायद आपका भी मिशन है, हम सब सेम फील्ड पर ही हैं। जो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो सब एक ही चीज़ मतलब कर रहे हैं कि युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस गेन किए हैं, आपने जो गेन किए हैं, या हम लोग इधर उधर से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं वो स्टूडेंट्स तक, युवाओं तक भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जिस वजह से होगा क्या कि जो हमारे युवा हैं, जो लैक ऑफ नॉलेज की कमी है वो उनके पास पहुँचेगी, और अगर युवा बदल जाएंगे तो हमारा देश डेफिनेटली बदलेगा। आप अभी कितने लोगों को मतलब जागरूक कर चुके हैं और स्कूलों में विजिट कर चुके हैं, कितनी युवा पीढ़ी को प्रेरित कर चुके हैं, और सेमिनार कितना आपने किया है अभी तक? अभी तक मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में, और मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूं। बट शुरुआत में होता क्या था कि मैं फोकस नहीं करता था, वीडियो वगैरह नहीं बनाता था। जहां भी सेमिनार किया तो मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाए, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा फोकस्ड हुआ कि मुझे यूट्यूब पर भी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैं फिजिकली पहुँच रहा हूँ वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से आज के टाइम में डिजिटल होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो आई थिंक मैं अभी तक लगभग 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स या यूथ उनको अवेयर कर चुका हूँ, अपनी मतलब स्पीच डिलीवर कर चुका हूँ, और 30 से ज़्यादा सेमिनार मैं अभी तक कंप्लीट कर चुका हूँ। जी जी, तो मैंने सुना है कि आप बुक भी लिख रहे हैं, तो आपका इसमें आपका क्या मिशन रहेगा? हाँ, मैंने कुछ ही लोगों को ये अभी बताया है कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ और वो बहुत जल्द आएगी, मैं उस पर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आएगी तो आप सभी को पता चलेगा। बिल्कुल, और आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को, शॉर्ट में ही आप बता सकते हैं। अगर मैं अपनी शॉर्ट में जर्नी को बताना चाहूँगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत सारा स्ट्रगल रहा है यहाँ तक आने के लिए, मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए, बिजनेस करने के लिए, क्योंकि मैं एक स्मॉल टाउन से आता हूँ और लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर मैंने बहुत परिस्थितियाँ ऐसी देखी हैं कि हर एक लोअर क्लास फैमिली जो पर्सन है उसकी लाइफ में होती हैं, कि पैसों की समस्या के कारण बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी ख्वाहिशें होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती। तो जब मैंने रियलाइज किया कि पैसा भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारी लाइफ में, तो उसको मैं एज अ मानता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा विजन बन जाता है। तो क्या होता है, जब हमारे पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और जो हम फेस करते हैं, तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन बन जाता है, और वही मेरे लिए मोटिवेशन बना है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पस सेट हो गया है तो फिर आप आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हो। तो फिर मैंने जॉब भी बहुत जगह पे की हैं, और फिर मैंने बिजनेस भी अपना स्टार्ट किया है, तो ऐसे ऐसे करके एक वो लीडरशिप स्किल आई। तो मैंने सोचा कि मेरे साथ जो मतलब मैंने जो गलतियाँ की हैं बिजनेस में, जॉब में या लाइफ में, वो लोग और ना करें, और मैं उनको मतलब ट्रेन कर सकूं, कोच कर सकूं, और अपनी मतलब जो थॉट स्किल है उसको मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। कई बार कुछ ऐसी समाज में चीज़ें चलती हैं कि बिजनेस तो ऐसे होता है, तो वो क्लियर करना चाहता हूं मैं। मेरे हिसाब से मेरी जर्नी रही है, बिल्कुल, बाकी मैं कभी डिटेल में करूंगा वीडियो तो ज़रूर अपन बात करेंगे उस पर। आपकी जर्नी बहुत अच्छी लगी, और अब ऑडियंस को, हमारी जो हमारी युवा पीढ़ी है, इसको क्या मैसेज आप पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए मेरा यही मैसेज है कि हम या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट तब तक नहीं कर सकता जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि इंसान के पास में सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है वो स्वयं। जब तक हम किसी को सिखा रहे हैं, अगर वो सीखना नहीं चाहता तो हम कितनी भी कोशिश कर लें वो नहीं सीख पाएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मोटिवेशन वो खुद हैं। और प्रॉब्लम ये भी होती है युवाओं में कि वो खुद, युवाओं में देखा गया है कि वो खुद को कम आंकने लगते हैं और खुद की एक रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जैसे बोलते हैं ना सेल्फ लव। मेरे हिसाब से अगर जी जी आपको दुनिया में कुछ करना है ना तो सेल्फ लव होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम खुद की कमी निकालने लगते हैं कि मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है, दुनिया के एक्सक्यूज गिनाना शुरू कर देते हैं। तो आप भी जानते हैं कि दुनिया में कोई भी एक्सक्यूज लेके आ जाइए आप, उससे बड़ी हिस्ट्री लिखी हुई है। कि आप बोलेंगे गरीब घर में पैदा हुए हैं, तो अब्दुल कलाम जी गरीब घर में पैदा हुए थे। आप मतलब कोई भी स्टोरी ले लीजिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो अधिकतर बिजनेसमैन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं एकदम, हैं। जी कि हम लोगों के दिमाग में ही भरे होते हैं और हम लोग इससे आगे निकलने की कोशिश ही नहीं करते। राइट राइट
तो जैसे कि आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है, मैं आपसे भी काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि वोमेंस में बहुत कम मोटिवेशनल स्पीकर हैं हमारे इंडिया में खासतौर से, क्योंकि यहाँ पर एक माइंडसेट बना हुआ है कि लड़कियाँ हों या औरतें हैं, उन्हें सिर्फ घर के जो काम हैं उन्हीं में इन्वॉल्व रहना चाहिए, ज़्यादा बाहर निकलना या और बड़ी थिंकिंग रखना, बिजनेस करना, ये सारी चीज़ों के लिए पता नहीं कौन सी थॉट प्रोसेस है ये, इसको ख़त्म करना होगा। तो उसको क्रॉस करके आप आगे आई हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं बुलिंग अवेयरनेस का, तो इसमें आपका जो फैमिली है वो कैसे सपोर्ट करता है, या आपके लिए क्या प्रॉब्लम आती है मेरे हिसाब से? ये जो मेरा मोटिवेशन का चल रहा है, ये मेरा क्लास 8 से मतलब एक था माइंड में कि मुझे इस तरह से करना है, बिकॉज जैसे कि आपको देखा होगा टॉपिक बुलिंग अवेयरनेस पे मैं बच्चों को अवेयर कर रही हूँ। तो ये सारा मेरा एक एक्सपीरियंस है, एक रियल स्टोरी है, जिससे कि आपको पता है कि बुलिंग जो चीज होती है कितना ज्यादा माइंड में आपको मतलब इस तरह से आपको बताओ कि आप सुसाइड करने लग जाओगे। ये एक ऐसा वर्ड है बुलिंग, है ना। तो मैं इससे बाहर आई हूँ। मैंने सोचा कि ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनके साथ बुलिंग होता होगा, उन्हें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा। तो वही मैंने एक स्टेप स्टार्ट किया। क्लास 8 से मैंने ऐसा सोचा था, किताब लिखने को भी मैंने क्लास 8 से सोचा था, बिकॉज होता है ना उसके बारे में अगर ए शब्द ना पता हो तो आप नहीं लिख सकते हो। तो मैं लिखती थी और फिर मैं उसको फाड़ देती थी, क्योंकि इसी तरह से सफर चलता रहा। और ये नहीं रहा है कि मैं स्कूलों में जाके विजिट करूँ, अवेयर करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। तो सबसे पहले आप संदीप महेश्वरी का वीडियो मैंने क्लास 8 में देखा था, जिन्होंने ये बताया कि आपके अंक जो नंबर आते हैं, रिजल्ट आता है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आपके अंदर टैलेंट है ना। तो हम लोगों को यही सिखाया जाता है स्कूल में कि अगर नंबर नहीं आया तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। वो मेरा एक माइंड सेट बन गया था। बट उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि जो मैं सोचती हूँ वो ये बंदा बता रहा है, मैं क्यों ना आगे चलकर ये सारी चीजें सीखा और बता सकती हूँ। मुझे और फैमिली की बात करें तो पहले तो कोई सपोर्ट नहीं था, बट जैसे मैंने स्टार्ट किया तो ये सपोर्ट बढ़ता गया उनका। देखिए, फैमिली सपोर्ट का ऐसा रहता है कि अगर मेरे हिसाब से फैमिली में अगर कन्वर्सेशन हम अच्छे से रखें, जैसे कम्युनिकेशन का वर्ड भी यहाँ पे आता है कि कम्युनिकेशन गैप के कारण फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती है, तो आई थिंक आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो फैमिली को आप कन्विंस तो मेरे हिसाब से कर ही लोगे, तभी तो बाहर जाके आप स्पीच दे पाओगे, सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर पाओगे, तो वो एक अच्छा रहता है। लेकिन मेनली क्या होता है, फैमिली तब सपोर्ट करती है जब वो आपको आपका सम प्लान बोलती हाँ आपको समझने लगते हैं आप क्या काम कर रहे हो, इससे क्या मतलब होने वाला है, क्या इफेक्ट आएगा, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो मेरे हिसाब से बहुत बेटर है, और हर फैमिली को करना चाहिए अगर कोई लड़की आगे आके कुछ करना चाहती है। मेरे हिसाब से आप एक सोशल वर्क कर रही हैं, क्योंकि ये पर्सनली एक बिजनेस नहीं है, सोशल वर्क है, तो मैं आपको बिल्कुल। अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ मैंने सुना है आप एक बुक्स भी लिख रही हैं जो कि जल्दी आने वाली है, तो जी इसमें जी थोड़ा सा बताइए आप कब तक बुक आएगी और किस टॉपिक पर है अपनी बुक? इस मंथ लॉन्च हो जाएगी। ओके और ये जो बुक है ये यस मेरी ही स्टोरी से ही मैंने उसको बनाई है, लिखी यस है, कि कैसे हम स्टेज में जाने से डरते हैं और कैसे हम लोगों के अंदर ना एक छोटा सा बच्चा होता है जिसे हम लोग डरा के रखते हैं, जिसे सुनते नहीं है और दुनिया की सुनते हैं। राइट तो वो सारी चीजें मैंने उसमें की है कि आप अपने अंदर के बच्चे को मत मारिए, क्योंकि वो ना आपको एक क्रिएटिविटी चीजों सिखाता है और आप उसे डांटते रहोगे तो वो एक डर डर के रहने लगता है। उसमें यही सारी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। और बहुत लोग जैसे खुद से प्यार नहीं करते, जैसे मैं भी खुद से प्यार नहीं करती थी, ओके कैसे मैंने खुद से प्रेम करना सीखा, ये सारी चीजें मैंने उसमें लिखी है। तो आपके कहने का मतलब है कि उसमें आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डाला हुआ है सबसे ज़्यादा, और मेरे हिसाब से जिस बिल्कुल चीज़ में भी मेरे थॉट में या आपकी बुक्स में अगर पर्सनल एक्सपीरियंस है तो वो ट्रू है एकदम, क्योंकि आपके साथ हुआ है, बिल्कुल तो आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और सामने वाला उसको रिलेट भी कर पाएगा कि हाँ एक्चुअल में समाज में ये प्रॉब्लम है और हम इससे कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। जैसे आप इस बुलिंग अवेयरनेस के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, तो आप मेनली जो टारगेट आपका होता है वो एक स्पेसिफिक मतलब स्टूडेंट्स होते हैं कि आप सभी के लिए ये चीज़ें करते हैं? देखिए, ये जो बुलिंग अवेयरनेस है ये स्टूडेंट तक तो नहीं रह सकता, क्योंकि इसमें टीचर, पेरेंट्स ये सब भी रोल करते हैं और सबसे ज्यादा सोसाइटी भी रोल करती है। तो इसमें हमारा जो एक हमने जैसे बनाया हुआ है वर्कशॉप का, वो स्टूडेंट्स के लिए है। छोटे बच्चे होंगे तो उनका अलग होगा, जो बड़े होंगे उनका अलग होगा। और जैसे
से किसी बच्चे के अंदर प्रभाव किया है ना, बुलिंग जिसके साथ हुआ है उसके माइंड में प्रभाव हुआ है, तो उनके लिए भी अलग से है पेरेंटिंग टीचर, हम इसका भी शो वहां पर रखते हैं। क्योंकि बिल्कुल पेरेंट्स को भी ये चीज समझनी चाहिए, जैसे मैंने देखा ना कि बच्चों को अलग अलग वर्ड से बुलाते हैं, जैसे कि गधी हो गया, ये मैंने वर्ड सुने हैं बहस यस के नाम यस से, तो ये है भी हमें है। लगता है कि बिल्कुल हमें लगता है कि हम प्यार से बुला रहे हैं, लेकिन ये बच्चे के अंदर असर करता है, ये शायद वो नहीं जान पाते। बिल्कुल सही बात है। होता क्या है कि जैसे मैंने सुना है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चे का मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे को प्यार नहीं करेंगे या बच्चे को अच्छे तरीके बिल्कुल से ट्रीट नहीं करेंगे तो उनका पड़ोसी क्या खाक करेगा। जी, जैसे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को कुछ उल्टा सीधा नाम से बुलाते हैं या सबके सामने डांटते हैं कि तुम गधे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। तो क्या है, बच्चा होता है वो, उसका दिमाग ब्लैंक होता है, उसके माइंड में जैसी चीजें जाएंगी वो आउटपुट वैसे सर्व करता निकलेगा। है, वो सोचने लगता है कि हाँ मैं ऐसा हाँ हूं मैं तभी ये ऐसा मुझे हूँ। ऐसे बुला रहे हैं। हाँ आपने न्यूज़ में भी आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा सुसाइड निकल के आते हैं। बिल्कुल एक बिल्कुल बच्चा था, पता होगा शॉर्ट स्टोरी में, एक यस बच्चा था, उसे नील पेंट लगाने का बहुत शौक था, ओके है ना, आई थिंक 11 साल का लड़का होगा, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि ना ही पेरेंट्स ने कोई एक्शन लिया, ना ही टीचर ने, कोई समझ ही नहीं पाया उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे लगता है कि बुलिंग अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आजकल जो पेरेंट्स और बच्चे के बीच में जो गैप है ना वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मेरे हिसाब से सोशल मीडिया के हिसाब से भी बढ़ता जा रहा है और एक बिजी लाइफ को मतलब दिखाने के लिए, होती नहीं है सबकी बिजी लाइफ होती है, लेकिन एक मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कि पेरेंट्स बच्चों पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। और अगर बच्चे और पेरेंट्स के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा तो मेरे हिसाब से जो उनकी प्रॉब्लम है वो शेयर कर पाएंगे। और कुछ जो ऐसे न्यूज आती हैं कि सुसाइड हो गया या थोड़े से मार्क्स कमाने की वजह से भी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को बिल्कुल पेरेंट्स को समझना होगा क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है बिल्कुल, और जो आप कर रहे हैं मेरे हिसाब से बहुत ग्रेट है। तो थोड़ा सा आप मुझे अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए क्योंकि आप को देखने से ये लगता है कि आप बिल्कुल टीन एज में हो। क्या अभी स्टडी कर रहे हो? अभी मैं जर्नलिस्ट की स्टडी कर रही हूँ, जहां पे मैं रिपोर्टिंग के बारे में सिखाया जाता है, और ओके बहुत से लोग आते हैं जो वर्कशॉप के जरिए हम लोगों को सारी चीजें सिखाते हैं वहां पे, किस तरह से हमें लोगों की आवाज पहुंचानी है दूसरों तक, कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हमें वहां पर सिखाई जाती है। ओके तो मतलब कि वो फील्ड भी आपकी वही वैसे ही है कि समाज में एक कैसे अवेयरनेस लाई जाए। तो आपने वो कोर्स भी स्टडी लाइन वही सब चूज़ किया है राइट ना? जर्नलिस्ट का मतलब कि आप किस तरह से सब लोगों की आवाज को उठा रहे हो, उनको जागरूक कर रहे हो। बिल्कुल सो आप इसे अगर बुलिंग से ले लीजिए, ये भी एक जर्नलिस्ट का ही बिल्कुल काम है राइट। ना, किसी को बातों को पहुंचाना, उन्हें सिखाना। सो ठीक है, ये बेस्ट ऑफ लक। आपकी जो बुक्स आने वाली है हम फिर से एक बार लाइव करेंगे और मेरे हिसाब से आपकी बिल्कुल जो थॉट प्रोसेस है इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए सभी लोगों को क्योंकि ये वीडियो सभी जी लोग जी देखते हैं, पेरेंट्स भी देखते हैं, स्टूडेंट्स भी देखते हैं, युवा भी देखते हैं, बिल्कुल सब लोग देखते हैं। तो आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको सैल्यूट है मेरी तरफ से क्योंकि सब लोग नहीं करते हैं। तो मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आप इस तरह से काम करते रहिए और बाकी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, फिर हमारी मुलाकात होगी यस बुक के साथ होगी। ओके ओके श्योर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी जर्नी बहुत अच्छी थी, और आपसे मतलब लोग बोलते हैं ना कि हम मतलब कि बच्चों को सिखाएंगे, वर्कशॉप यस करेंगे, तो वो मुझे भी आपसे इंस्पिरेशन मिला कि जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक तो हम घर में बैठे बैठे राइट मोटिवेट करते रहेंगे। तो मुझे वहां से इंस्पिरेशन मिला कि निकलो और बच्चों को सिखाओ। राइट राइट ओके थैंक यू सो मच ओके। जी।